अब आ जाता है बेटा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन क्लास। अब हमने ये कहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस यू नो वॉटर एंड मिनरल्स उनके ट्रांसपोर्टेशन कहां से है, फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ऑर्गेनिक फूड की मूवमेंट जनरली, वैसे तो बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल है, बट जनरली फ्रॉम लीफ टू वेरियस पार्ट्स दिस इज लॉन्ग डिस्टेंस। आपको पता है इनसाइड सेल substances move by, I have told you, cytoplasmic streaming, pass me cells from one cell to adjacent cell substances moved by diffusion but जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है इट कैन नॉट बी बाय डिफ्यूजन। क्यों डिफ्यूजन से नहीं हो सकता? क्योंकि डिफ्यूजन जो है एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, कई महीने लग जाएंगे रूट में से पानी ऊपर पहुंचते हैं, राइट? सो बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट cannot occur by diffusion as it occurs slowly, ठीक है जी। इसका रेट जो है वो बहुत धीरे है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं it is about 50 micrometer in 2.5 seconds। इतने सेकंड्स में सिर्फ इतना मीटर मूव करता है। और हमारे प्लांट्स को अगर हम लॉन्ग प्लांट्स देखें तो तकरीबन यू नो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स है, राइट, भी 150 मीटर तक के भी प्लांट्स है, राइट? तो इसलिए ये बहुत धीरे धीरे है, ये कई साल लग जाएंगे अगर डिफ्यूजन से पानी ऊपर तक पहुंचाना, राइट? तो देयरफॉर कोई ऐसी फोर्स, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज फास्टर देन डिफ्यूजन। But requires lot of energy. इतनी एनर्जी भी प्लांट के पास नहीं है, तो कैसे चीजें मूव करें? तो प्लांट्स में क्या है? Therefore,
इन प्लांट्स, पहली बात तो है सब्सटेंसेस आर ट्रांसलोकेटेड, ट्रांसलोकेटेड का क्या मतलब है कि ये स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज में मूव करता है, दैट इज सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, दैट इज सच एज जाइलम एंड स्टोन। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है देयर इज बल्क फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस। ऐसा नहीं कि एक एक मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है, ये बल्क में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं बल्क फ्लो और एन मास मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। बहुत ग्रुप में, बल्क में चीजें फ्लो कर रही है, वन मॉलिक्यूल बाय वन मॉलिक्यूल फ्लो नहीं कर रहा। द सब्सटेंसेस इन बल्क आर ट्रांसपोर्टेड, किस फॉर्म में आर ट्रांसपोर्टेड, एज सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ये आपने सॉल्यूशंस वाले केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा कि सस्पेंशन क्या है, तो दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस और इन सस्पेंशन। वेरियस सब्सटेंसेस, एक से ज्यादा चीजें अगर से एक साथ मूव कर रही है तो वो सेम स्पीड से मूव कर रही है। जैसे हम कहते हैं कि नदी की जितनी तेज धार है उसमें से, मतलब जितने फ्लो में नदी बह रही है, साथ में पत्ते या और चीजें वो उतने ही फ्लो में बह रही है, ठीक है। वेरियस सब्सटेंसेस मूव एट सेम पेस थ्रू अ वेस्कुलर टिश्यू। ये नहीं कि जाइलम और फ्लोएम का सेम पेस होगा, जाइलम के थ्रू जो सीजन मूव कर रही है वो सेम पेस पे जा रही है थ्रू ए वेस्कुलर टिश्यू, एक पेस पे जो है वो मूव करती है, ठीक है। देन जो बल्क फ्लो है इज डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन, कैसे, एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बट इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। ये अभी हम करेंगे, ठीक है। It may be due to positive hydrostatic pressure
पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैसे, कि किसी चीज को जैसे हमने टॉप फ्लोर पे पानी चढ़ाना हो तो हम क्या है मोटर चला देते हैं, मोटर उस नीचे से पानी को ऊपर पुश करके, प्लांट में नहीं हम बात कर रहे हैं, इन जनरल मैं बता रही हूँ, दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट। और नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट, नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट है कि एक तरफ पे कम प्रेशर है तो वो सक्शन के थ्रू जैसे सक करते हैं, सक्शन के थ्रू जो है चीजें को खींच रहा है, या तो ये प्रेशर है या पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट है या नेगेटिव। ठीक है जी, तो बेटा एक मिनट दे रहा हूं। Absorption of water by roots. ये root है, this is root cap, root apex, zone of elongation, this is root hair zone, और इसके ऊपर यहां पे branches निकल रही है, and this is called as mature zone. यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, मैच्योर जोन है उससे नीचे नहीं। जो रूट हेयर जोन है, सो वॉटर एंड मिनरल्स आर मैक्सिमली कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, रूट हेयर जोन में। क्यों? क्योंकि रूट हेयर क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। लेट अस से प्लांट एनाटॉमी आपने की ही है, दिस इज रूट हेयर। ठीक है, आप ये देख रहे हो एब्जॉर्प्शन यहां से भी हो सकती है, यहां से, यहां से, यहां से, सब जगह से एब्जॉर्प्शन हो सकती है। अगर सिर्फ ये वाला एरिया हो तो सिर्फ यहां से एब्जॉर्प्शन हो, नहीं तो यहां से, ये देखो कितने सारे एरोज लग सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि रूट हेयर मैक्सिमली फ्रॉम रूट हेयर जोन, आपने पूरा लिखना है एज root hair increases surface area for absorption. root hair क्या है, जैसे विलाए होते हैं हमारे cells के, ऐसे root hair है। root hair are extensions of root epidermis, जिसको आपने एनाटॉमी में पढ़ा भी था, फिलिपरस नियर, देन कौन सी प्रोसेस से एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स बाय
डिफ्यूजन ओनली। सिर्फ डिफ्यूजन से होती है, सॉइल में वॉटर हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रूट, ठीक है, जिससे वॉटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। अब अगर हम देखें अगेन, ये रूट है, दिस इज कॉर्टेक्स, आइसोडायमेट्रिक सेल्स इन्वॉल्व विद इंटरसेलुलर स्पेसेस, दिस इज एंडोडर्मिस, सरफेस पे है ये कैस्पेरियन स्ट्रेस ऑन देयर रेडियल एंड टेंजेंशियल। इसके अंदर क्या है, पेरेन्काइमेटस, पेरिसाइकल, और इसके अंदर क्या है, क्लोइन, देन ज़ाइलम, देन क्लोइन। इस तरह से सिलेंडर्स है, ज़ाइलम है। वॉटर रूट हेयर से यहां से यहां जा रहा है, वॉटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो अब जो मूवमेंट ऑफ वॉटर occurs through apoplast and sinoplast, क्या है apoplast and sinoplast? apoplast को हम कहते हैं is नॉन लिविंग कॉन्टिनुअम, एक कॉन्टिन्यूटी है बट इट इज नॉन लिविंग, इट इज थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड सेल वॉल्स, क्योंकि सेल वॉल भी कोलोइडल सब्सटेंस है, वो भी पानी को जगह देते। सिम्प्लास्ट इज लिविंग कॉन्टिन्यूम, थ्रू प्रोटोप्लास्ट, अगर हम देखें कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि रूट में कैसे मूव कर रहे, तो अगर हम यहाँ पे देखें, हम एक वैसे ही हाइपोथेटिकल, ये तो मैंने आपको दिखाया है, ये सेल वॉल हम दिखा रहे हैं, ये जो बीच में स्पेस नजर आ रही है ये है सेल वॉल, ये है एपिडर्मिस। आप मेरे पास जगह थोड़ी है, आप थोड़ा सा बड़ा कर, एपिडर्मिस के बाद कौन से आ जाएंगे, दैट इज कॉर्टेक्स। This is cortex. Cortex के बाद क्या है, एंडोडर्मिस,
ये सब हम अंदर की दिखा रहे हैं कि सेल के अंदर क्या है, और आपको पता है कि इसके सरफेस पे लिग्निफाइड वॉल्स है. दिस इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, लिग्निफाइड या सुबराइज्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है विच डू नॉट अलाउ द वॉटर टू क्रॉस. ये सरफेस पे है, अंदर नहीं है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, राइट? This is pericycle. और फिर आ जाता है यहाँ पे zygote. This is endodermis. आपने पूरा लिखना है. This is pericycle. The cells are joined with each other by plasmodesmata. Plant cells में आपको पता है ये जो है प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस आर कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा. ये तो हमने थोड़ा सा सामने सामने ही बना दिए ना, अदरवाइज कई जगह पे हो सकते हैं. दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा. सेल में जो है पानी वॉटर रूट हेयर से यहां सेल वॉल में आ गए. ये इंटरसेलुलर स्पेसेस या सेल वॉल में से जा रहा है. बट यहाँ पे आके ये इधर से आगे नहीं जाएगा, ठीक है? इसी तरह से ये आगे नहीं जाएगा. कुछ पानी सेल वॉल को क्रॉस करके सिम्प्लास्ट के थ्रू भी जा रहा है. दिस इज अब जो सेल वॉल के थ्रू जा रहा था वो आगे सेल वॉल के थ्रू नहीं जा सकता, इसलिए उसने क्या किया, उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां पे आ गया, एंडोडर्मिस के अंदर आ. तो ट्रांसपोर्ट या movement of water in the endodermal cells is only by simplast, whereas movement of water in epidermis and cortex is by simplast as well as by apoplast. This is the pathway. Once in xylem, ek bar pani xylem mein aa gaya, then it moves along the pressure gradient. It moves by apoplast only because the xylem is non-living. It is dead only. है ना, सिर्फ xylem parent काइमा को छोड़कर बाकी सब components dead है. तो xylem में water and minerals किसके through move करते, tracheids and vessels which are dead, right? So in xylem the transport is by apoplast only. पहले ये लिखो फिर हम और बताते. राइट डाउन कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर या द मूवमेंट ऑफ वॉटर, द मूवमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम रूट हेयर अप टू xylem is by both apoplast as well as simplast. The movement of water from root hair up to xylem
is by both apoplast as well as through symplast. The water moving through cell walls. The water moving through cell walls of epidermis and cortex cannot cross the Casparian strips of endodermis. Casparian strips ko bracket mein likh lena, subraised. Therefore, the water has to cross the membrane. And reaches in the protoplasm of endodermal cells. Protoplasm of endodermis and reaches in the protoplasm of the endodermis. Next point here. The water then moves through the symplast. And again crosses the membrane. Ye dekhe, pericycle. And again crosses the membrane to reach the cells of the xylem. हम क्या कह सकते हैं thus the movement of water through the root layers different है is ultimately symplastic in endodermis. मैं बार बार लिखवा रही हूँ is ultimately symplastic in the endodermis. Which is also called as the check post. Of different minerals. Next point here, the apoplast. Apoplast does not provide any barrier to water movement. Koi barrier nahi hai, water move kiya ja raha hai. Does not provide any barrier to water movement, but is dependent on the gradient. Gradient to hona chahiye, pressure gradient, water potential gradient. But is dependent on the gradient. Next point hai. Apoplastic movement is faster than symplastic movement. Kyunki apoplasts ye dead spaces hai, chali ja rahi hai, chal ja rahi hai. Andar to bahut kuch hai, kabhi koi organelle aa gayi, kabhi kuch aa gaya. Isliye symplast dheere hai. Apoplastic movements are faster than the symplastic movements.
नेक्स्ट पॉइंट है, सिंप्लास्टिक मूवमेंट्स आर एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. सिंप्लास्टिक मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, STREAMING. सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है वही वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट में हेल्प करता है. नेक्स्ट आ जाइए, वंस द वाटर रीचेस द जाइलम, वंस द वाटर रीचेस द जाइलम, द वॉटर मूव्स बाय एपोप्लास्ट. द वॉटर मूव्स बाय एपोप्लास्ट एज जाइलम वेसल्स, अगर हम बात करें एज जाइलम वेसल्स आर नॉन लिविंग कॉन्ड्यूट्स. कॉन्ड्यूट्स होता है पैसेजेस, आर नॉन लिविंग कॉन्ड्यूट, CONDUITS. ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, सम प्लांट्स हैव माइकोराइजा. ये आपने किया हुआ है प्लस टू में, इसलिए ज्यादा नहीं मैं कराऊंगी. सम प्लांट्स हैव माइकोराइजा टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वॉटर. Absorption of water and minerals and in turn badle mein plant kya deta hai, in turn the roots provide sugar and nitrogen containing compounds. Roots provide sugars and nitrogen containing compounds to the mycorrhiza, to the fungus. For example, pinus, orchids, etc. चलिए जी, अब पानी कहाँ पहुंच गया है, पानी कहाँ पहुंच गया है, जाइलम. जाइलम से अब पानी में ऊपर जाना है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स. ये कैसे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल, आपने पूरा लिखना है ग्रेविटेशनल पुल. इट इज एक्सप्लेन्ड बाय रूट प्रेशर थ्योरी. ये किसने दी थी, बर्गर स्टीन.
रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है कि रूट्स एब्सॉर्ब वॉटर इट क्रिएट्स पॉजिटिव प्रेशर इन रूट्स which pushes water upside along concentration gradient, along pressure gradient. ये कहता है कि roots में पानी इकट्ठा हो गया जिसकी वजह से पानी को ऊपर धक्का दे गई. But इसके drawbacks क्या है? ड्रॉबैक्स ये है कि रूट्स में पॉजिटिव प्रेशर कभी मिला ही नहीं, ठीक है, उसमें तो नेगेटिव हमेशा भूखी रहती है. तो फर्स्ट है रूट प्रेशर इज नेगेटिव इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स. They are mostly starved of water. पहली बात. दूसरी बात, positive root pressure is observed only in हर्बेशियस प्लांट्स, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, पेड़ तो नहीं जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, हर्बेशियस प्लांट्स एंड ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन. सिर्फ रेनी सीजन में रूट प्रेशर मिलता है और वो भी सिर्फ हर्बेशियस प्लांट्स में. व्हेन rate of transpiration is less but absorption of water continues. Teesri baat, movement of water by RP मैंने लिख लिया. रूट प्रेशर इज वेरी वेरी स्लो, इसलिए जबकि ट्रांसलोकेशन देयर इज वेरी फास्ट. ठीक है, इसलिए रूट प्रेशर थ्योरी फेल हो गई. बट अगर हम थोड़ी सी बात करें कि हमें कैसे पता चलता है कि रूट प्रेशर होता है फिर भी है तो सही कुछ प्लांट्स में, रूट प्रेशर इज एग्जिबिटेड बाय फर्स्ट है ब्लीडिंग, दूसरा है गटेशन. ठीक है, पहले यहां तक लिखो फिर मैं आपको ब्लीडिंग और गटेशन के बारे में बताऊंगा. ब्लीडिंग क्या है बेटा? कि अगर देखो, अगर जाइलम में पानी भरा हुआ है, ठीक है, रूट प्रेशर बहुत है जिसकी वजह से, छोटा सा प्लांट है, रूट प्रेशर की वजह से जाइलम में पानी भरा हुआ है, वो धक्का दे रहा है पानी को, तो जैसे ही थोड़ा सा प्लांट को कट करेंगे तो इमीडिएटली सैप कम्स आउट, दैट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग. ठीक है, लिख लो, ओजिंग आउट,
oozing out of sap. क्योंकि xylem में water भी है, minerals भी है. Oozing out of sap, bracket में लिख लो, water plus minerals. Oozing out of sap from the cut or wounded part of the plant is called as bleeding. Next is guttation. Guttation kya hai bache? ये लीफ है, लीफ के मार्जिन्स पे परमानेंटली ओपन पोर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं हाइड्रा पोर्स. बेटा जब प्लांट में प्रेशर बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, उस प्रेशर के कारण प्लांट को लगता है कि कहीं से भी पोर्स दिखे और वहां से वो पानी सैप को बाहर निकाले. तो यहां पर क्योंकि रूट प्रेशर कब दिखता है, दैट इज यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेना कि रूट प्रेशर इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग नाइट टाइम ओनली. जब स्टोमेटा बंद हो जाती है, राइट, तो हाइड्रा पोर्स में से लॉस ऑफ सैप थ्रू हाइड्रा पोर्स ड्यूरिंग नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग इज कॉल्ड एज guttation, right? ठीक है, लिख लो ये.